राजेश? माँ ये रंगीली हाथ से निकल गई। पता नहीं कौन सा भूत सवार था इसके ऊपर। बहुत कोशिश करी लेकिन बच के भाग गए। तुम लोग इतने सारे लोग मिलके एक किन्नर को नहीं पकड़ पाए? राजेश, राजेश तुम किसी काम के नहीं हो। क्यों चली गई तुम जानकी? मैं कितना मिस कर रही हूं तुम जानती हो? हर्ष तुम्हें कितना मिस कर रहा है जानती हो? उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसे जाल में फंसाया गया है। नहीं पता उस बेचारे को। जिस चीज का डर था वही हुआ। कर दिया ना इन दोनों ने तुम दोनों को अलग, कर दी ना तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद। पर मैं कैसे बताऊं हर्ष को, कैसे बताऊं कि सबके पीछे मम्मी जी का हाथ है? वो तो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। कैसे जाके बताऊं ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा जैसा हो रहा है, वो मम्मी जी कर रही है। मम्मी जी ने पेपर बनाए थे, जानकी ने नहीं, और जिसकी वजह से उसको घर छोड़कर जाना पड़ा। कैसे बताऊं उसे मैं? हमारी सारी कोशिशें सब खत्म हो गई जानकी। I don't know what to do. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, वंदना बेटा, मुझे जानकी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी जानकी की बहुत याद आ रही है दादी। बेटा, हम जिन्हें प्यार करते हैं ना, उन पर या उनकी किसी भी बात पर हमें शक नहीं करना चाहिए। अरे मेरी मति देख, मैंने अपनी जानकी पे शक किया, उसे सबके सामने गलत साबित किया, उसे नीचा दिखा दिया मैंने सबके सामने। नहीं दादी, नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो, क्यों दोष दे रहे हो अपने आप को? उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, जिसको जैसा दिखा उसने वैसे ही रिएक्ट किया। ना इसमें आपकी गलती है, ना मेरी गलती है, ना किसी और की गलती है। लेकिन बेटा, उसने यहां से जाके अच्छा नहीं किया, और हम लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं रोका। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। गलती क्या, बहुत बड़ा पाप हुआ है हमसे दादी। और इस पाप का एक ही प्रायश्चित है कि हमें कैसे भी करके जानकी को इस घर में वापस लाना होगा। हाँ दादी, मैं भी यही चाहती हूँ कि जानकी वापस आ जाए, पर कैसे? अब तुम्हें एक मिनट दादी। हेलो वंदना, बड़े मुश्किल से बचते बचाते मैं तुमको फोन कर रही हूँ। बचते बचाते मतलब क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है वंदना। वो सविता और राजेश, वो जानकी के जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो दोनों, उसके साथ कोई आदमी भी है। रंगीली तुम हो किधर, पहले ये बताओ कहाँ हो तुम लोग? रिसोर्ट के बाहर इलाके में एक जंगल है। मैं अभी आ रही हूँ। मैं हेलो हेलो रंगी हेलो रंगीली दादी, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर रंगीली क्या क्या बोल रही थी? रंगीली जानकी कहाँ है? दादी मैं वापस आके आपको सब कुछ बताती हूँ। भगवान, क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर्ष, हर्ष हर्ष हर्ष, वो जानकी की जान खतरे में, जल्दी चलो। जानकी की जान खतरे में? क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे रंगीली का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि जानकी की जान खतरे में, तुम अभी चलो, बाकी के बाद में बात बताऊंगी। ओह माय गॉड, रस्सी जल गई।
लेकिन बल नहीं गया। हाँ ये रंगीली वही जो शादी में आई थी? हाँ हर्ष वही रंगीली। लेकिन उसको कैसे पता चला कि जानकी के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं? अब कैसे बताऊं तुम्हें हर्ष कि वो गुंडे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ और भाई ही हैं। यहाँ से राइट लो, यहाँ से राइट लो। हमारे घर में रहकर तू हमारी और हमारे बेटे की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खोल देगी? हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी? तू यही सोचा था ना? हमारे हर एक मंसूबे पर पानी फेरा है तूने, एक माँ के सपने कुचल दिए हैं तूने। बहुत शौक था ना तुझे हर्ष की पत्नी कहलाने का? अब देखो अपनी औकात, देखिए जमीन पर रेंगते हुए कीड़े से ज्यादा औकात नहीं है तेरी हमारे सामने, समझी? माँ, माँ शब्द का मतलब जानती है? माँ कहलाने के लायक नहीं है आप, पर ये अपने ही बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है आप? हम कर सकते हैं। क्योंकि हम हर्ष की माँ है ही नहीं। यहाँ से लेफ्ट ले लो। स्टॉप स्टॉप, यही लोकेशन दिखा रहा है। एक मिनट, मेरे बंदा। हाँ यही। चल, पता है हमें। आप हर्ष की माँ नहीं, क्योंकि उनकी माँ को तो आपने पहले ही मार दिया। मम्मी जी भगवान भी एक औरत को यशोदा बनने का मौका देते हैं। वो मौका आपको मिला था, पर आपने क्या स्वीकार किया? पुतना बनना। जैसे उसने अपने शिनजी को जहर वाला दूध पिलाया था, बिल्कुल वैसी ही निकली। अपने बेटे को मार रही थी, कम से कम माँ शब्द का मान तो रखती। माँ शब्द पर कलंक है आप, माँ कहलाने लायक नहीं है आप। तेरा ये प्रवचन सुनने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। ए, जल्दी करो। चार दिन नहीं हुए हर्ष से जुड़े हुए, हमको सिखाने चले। चार दिन नहीं मम्मी जी, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा और हर्ष का। और आप जो ये सपने देख रही है ना कि उनको मारने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी जब तक हम उनकी लाइफ में हैं, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। हर्ष यही लोकेशन बता रहा है। भाभी आप रंगीली को नंबर ट्राई करो। हाँ जानकी जी, रंगीली का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप एक बार जानकी जी का नंबर ट्राई करो। एक मिनट, मैं टीम को फोन लगाता हूँ, वो जानकी जी का नंबर ट्रेस करेंगे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सलील सुनो, मैं तुमको एक नंबर भेज रहा हूँ, वो नंबर लग नहीं रहा है, मुझे उसका लास्ट लोकेशन भेजो जल्दी से, इमीडिएटली। हाँ अर्जेंट है। अच्छा ठीक है ठीक है, यही इच्छा है ना तेरी? चल आज ना पूरी कर देते हैं तेरी। और क्या क्या करेंगी मम्मी जी, अरे इतना कुछ तो कर चुकी है। हमें इस घर से बाहर निकलवा दिया, हमारे ही पति से हमारा तलाक करवा दिया, हमें बेचने की कोशिश की, और कितना गिरेंगी आप? और क्या मिला बदले में आपको? मुंह की खानी पड़ी आपको। क्यों? क्योंकि हर बार 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 हमारे हर्ष ने हमें बचा लिया, और इस बार भी ऐसा ही होगा। ऊपर वाला सब देख रहे हैं मम्मी जी, आपको अपने बुरे कर्म का फल यही मिलेगा। यही तो लोकेशन भेजा था रंगीली ने। पता नहीं जंगल में कहां ढूंढेंगे, कहां होंगे जानकी जी। हाँ सलील, जो नंबर ट्रेस करना था उसकी लास्ट लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। हाँ मेरे को फिर इमीडिएटली भेज। ओके क्या बोला? मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, एक मिनट। भाभी ये देखो, लोकेशन यहीं का दिखा रहा है, इसका मतलब यहीं कहीं होना चाहिए उनको। कम क्या कहा तूने? हर्ष ने हर बार आकर तुझे बचाया है ना, लेकिन इस बार कहाँ है वो? कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं है जानकी, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो यही समझता है कि तूने उससे शादी सिर्फ उसको लूटने के लिए की थी। उसको पता ही नहीं है बेचारा, उसको ये पता ही नहीं है कि तूने उससे शादी उसकी जिंदगी बचाने के लिए की थी।
इसलिए की थी क्योंकि तू जानती थी कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के पास जाएगी और हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा, और इसीलिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए तो उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी थी, है ना? सब जानते हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी ढाल बनकर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और उस औरत ने भी बचाएंगे जिसे वो अपनी माँ समझते हैं, जिसे वो प्यार करते हैं। प्यार? हाँ प्यार। नहीं नहीं मम्मी जी, प्यार नहीं करते हैं, हर वो तो पूछते हैं आपको, भगवान समझते अपनी माँ को, इसीलिए हमेशा माँ 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 आपकी एक चोट पर आपकी एक तकलीफ पर खड़े हो जाते हैं वो। और आप क्या कर रही हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है आपके अंदर इंसानियत भी नहीं है क्या? क्यों क्यों अपने बेटे की जान के पीछे पड़ी है? क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या प्रॉब्लम है आपको हर्षी से मम्मी जी? बताइए ना, क्या बिगाड़ा है हर्षी ने आपका? उसने नहीं बिगाड़ा, हमारे अपने पति ने बिगाड़ा है हमारा। हर्ष नाजायज औलाद है उसकी, और लाकर हमारी गोदी में डाल दिया कि पालो इसको, शास्त्री परिवार का वारिस बना दिया उसको, और हमारे बेटे को हम जानवर की तरह दुत्कारते रहे, जानवर की तरह। बताओ जानकी, एक माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इतने साल इंतजार किया है हमने बदले का, और अब हम हमारा बदला पूरा करेंगे। हम अपने बेटे का हक किसी को नहीं लेने देंगे जानकी। मम्मी जी, इसमें हर्षी की क्या गलती है? उन्होंने क्या किया? जो किया पापा जी ने किया, वो कहाँ है इन सब में? मम्मी जी बोलिए ना। मम्मी जी देखिए, हम आपसे एक ही विनती करते, देखिए हर्षी की कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप समझिए ना, पापा जी की गलती की सजा हर्षी को तो नहीं दे सकती ना मम्मी जी। मम्मी जी आप तो समझिए, आप जी प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मम्मी जी, जल्दी करो। नहीं मम्मी जी प्लीज जल्दी करो, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे जल्दी। मम्मी जी एक बार हमारी बात नहीं। मम्मी जी जानकी, हे भगवान। Oh my God, जानकी जी, हम आपके पैर पड़ते हैं मम्मी जी, प्लीज हर्षी के साथ ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, प्लीज उन्होंने ये सब गलती नहीं की। आपको जो चाहिए आप एक बार हर्षी से बात करके देखिए, वो आपको सब कुछ दे देंगे मम्मी जी, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप एक बार बोलेंगी ना वो आपको सब कुछ दे देंगे। बताइए तो आपको उनसे क्या चाहिए? घर से नहीं, हमको ना राम से चाहिए। दिलवा सकती है तू उनके जायज बेटे के लिए? उनके दिल में जगह दिलवा सकती है? हमारी जिंदगी के जो दिन हमने रोते हुए बिताए हैं, उसमें खुशियां भर सकती है तू जानकी? हमारे पति और उस दूसरी औरत की वजह से जो अपमान हमने सहा है, वो अपमान तू धो सकती है जानकी? नहीं ना मम्मी जी, पर तुम्हें उनकी क्या गलती जानकी? तू कुछ नहीं कर सकती, सोच सोच, हमने कैसे उस नाजायज औलाद को अपने गले से लगाकर पाला होगा जिसकी हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते? कर सकती है तो कुछ? हाँ मम्मी जी नहीं ना मम्मी जी, हम जानते हैं आपका दर्द कम नहीं कर सकते, पर 30 सालों में हम कुछ नहीं कर पाए, तू क्या करेगी? बस एक बार आप हर्ष को मरना होगा, लेकिन उससे पहले तेरा नंबर। मुझे मरना होगा पहले। चलो जल्दी करो मम्मी जी, उठाओ इसे, हमें मार दीजिए, हर्ष को कुछ मत करिए, फेंको, हमें मार दीजिए, छोड़ो को मत करिए मेरे मम्मी जी, आओ जल्दी। इतना बड़ा जंगल है, कहाँ गई होंगी जानकी जी? मंदिर भाभी, ये आवाज जानकी जी की है। जानकी जी मैं आ रहा हूँ। मंदिर भाभी आप यहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। हर्ष
जानकी तूने हमको, उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। जैसे सावित्री ने सत्यवान को बचाया था ना, बिल्कुल वैसी हर बार तूने हर्ष को बचाया है हमसे, और उसका इनाम तो तुझे मिलना ही चाहिए, है ना? इस मम्मी जी, माफी, हाथ जोड़ते हैं, हर्ष जी को कुछ मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, इस बार ना सत्यवान से पहले सावित्री ऊपर जाएगी, पहले तू और उसके बाद तेरे हर्ष। अरे हर्ष का तो पैदा होना ही अपराध था, इसलिए उसका मरना तो बहुत जरूरी। राजेश, तुम सब मिलके उस रंगीली को रोक नहीं पाए, क्या है ये? जानकी, जानकी जी, ओह गॉड, ओह गॉड, जानकी जी, गिरी जी बच गए, गिरी जी बच गए। राज में कुछ हो गया ना मम्मी जी, बस आज तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आखिरी वक्त है ना, पहले तुम्हें जिंदा गाड़ दें, उसके बाद देखते हैं बदला लेने कौन आता है। गाड़ो इसे। बंद करो इसको। जानकी जी के ये रिंग्स हैं। इसका मतलब यहीं कहीं होनी चाहिए। इस पे जानकी 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 कोई बात नहीं मां, आखिरी बार है। Somebody help me! Thank you.
सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।